कि लोग इकट्ठे हो रहे थे और बुलाए थे, इस देश के किसान बुलाए थे भारत के, वे किसान बातचीत करें सरकार से, और सरकार ने बातचीत के जरिए ये कहा 1.5 साल के लिए इसको ठंडा बस्ता में रखते हैं, काले कानून को हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। तो काला कानून है, देश का कीदा आ गया, भाई कानून तो काला है, सरकार वापिस ले ले तो अच्छा है। हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जो भी हम वीडियो डाल लें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, धन्यवाद। ऊंचा गांव उजाणा, तहसील नरवाना, जिला जींद में। और भाई आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में कोई साधु महात्मा तपस्वी जिसने गर्मी यानी जेठ का महीना जो अपने देश हिसाब से सबसे ज़्यादा गर्मी का हो वो आपने आग में तपते देखे होंगे। लेकिन इस आंदोलन में नया एक इतिहास बनाया, एक किसान जिसकी ज़िंदगी वैसे मतलब तपस्या पर ही हो, चाहे पोह का पाड़ा में पानी लाने की बात करा, चाहे जेठ की गर्मी में हल चलाने की बात करा, आज वो किसान उजाणा गांव में पूरे तपन लग रहे। और पिछले कुछ दिनों तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल है, यानी 45 डिग्री का तापमान जेठ का भी ना देसी हिसाबा था, पूरी गर्मी और 7 आग के धुने जिसमें डेली एक गुस्से की बढ़ोतरी हो, और पूरा गांव आस पड़ोस गांव गुआंढ सोशल मीडिया पर पूरा चर्चित, और उनकी खुशी में आपने दिखाऊंगे बार न्यून करिए संदीप एक बार न्यून, यानी गांव की जो हमारी मातृशक्ति है, जो महिलाएं हैं, यानी इस चीज़ की उनने खुशी, और खुशी खुशी में पूरा दिन और 12 से 3 जो ये बैठे अपनी तपस्या पर पूरे तप हैं, पूरा दिन इनका साथ दे हुए हैं, चाहे गीत का माध्यम तो चाहे कुकरे भी हो। और आप देखोगे एक बार के स्थिति में किस कंडीशन में फिलहाल बैठे हैं। लेकिन खटखट टोल प्लाजा की तरफ से किसान और जितने कुछ खा पंचायती आदमी वो पहुँचे हैं समझाने के लिए कि कुछ फैसला रहोगा, क्यों रहोगा वो आने वाली, यानी ये कैस कहाँ, एक गर्मी का भी नमक, जेठ का भी नमक खड़ा होना बहुत बड़ी बात हो है। लेकिन शुक्रदा 7 धुने लगा के उनके बीच में बैठना 12 से 3 अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ को, ये साधु संत महात्मा तपस्वी नहीं है, एक आम किसान, और चुगर देख बार दिखाऊंगा कितना दिन का गांव कड़ा, और भारतीय किसान यूनियन के और जो देश की आनवान शान अपना जो तिरंगा झंडा है वो अपने आगे लगा के तभी ये तपस्या पे बैठे हैं। इन तो पूछेंगे भाई कब तक का इन्होंने निर्णय लिया है। और दूसरी चीज़, किसान का जो सबसे बड़ा औजार जो ये कैश का जिनका सारा वो पेट भर अपने वो जूते कैट दी संदीप, ये अड़, हालांकि आज ये नहीं रही, बड़दा की खेती होया कर दी, ये अड़ लगा कर और तिरंगा झंडा लगा कर चुगर तो पूरा एक बार गांव दिखाई दे, यानी पूरा गांव भी फिलहाल इनका चुगर दे इकट्ठा है। और इन पे बात करांगे कब तक का इन्हें निर्णय लिया है यू फटियो भाई साहब लगवा ताऊ जी। राम 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 राम। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा रामबज। हाँ जी रामबज। रामबज गांव उजाणा। गांव उजाणा आपने शुरू कितने दिन पहले शुरू करी तपस्या? हाँ जी तपस्या कितने दिन पहले शुरू करी? तपस्या कई दिनों को हो रही है जी। अच्छा क्यों बैठे आप, मतलब एक तो ऊपर 45 डिग्री तापमान उसके बावजूद चुगरदायक के गोसे लगाएगा आप बैठे हो, के निर्णय लिया, के जी माई आपके? निर्णय तो ऐसा है जी, 6-7 महीनों से सरकार से खिलाफ काले कानूनों के किसान इस देश का मरण लग रहा है, 400 से ऊपर किसान शहीद हो गया जी, और सरकार के कोई भी भयभीत नहीं है, किसान मरने लग रहे, किस मौत को कुछ समझो नहीं रहे, मौत को समझना चाहिए और बचारना चाहिए। अच्छा, हम तो ये कहते हैं सरकार, भगवान से निवेदन करते हैं, परमपिता परमात्मा, सरकार नहीं सुन दी तो आप सुन लो हमारी। अच्छा हाँ जी, परमात्मा से निवेदन कर सकते हैं, परमपिता परमात्मा तो सबका है, तो ही सरकार को सतबुद्धि दे दे, ये काले कानून को वापिस ले ले, नहीं लेंगे तो ये बहुत बड़ी बारी बर्बादी देश में होती दिखाई दे रही है। कब तक का निर्णय आपने कराया कि कब तक आप ऐसे बैठे? इसका कोई पार नहीं, कब लग का कितना की हो सकता है, मतलब मैं तो आपकी तरफ से ये है कि जब तक मतलब कानून रद्द नहीं होंगे, रद्द नहीं होंगे तब तक बैठे हम कहीं नहीं, बिल्कुल भी मर जाएंगे, हम तो मरना ही मंजूर करके। अच्छा, और गांव की तरफ से मतलब कितना सपोर्ट रही इस चीज ने आपके? गांव ने मेरे को रोकने का भी काम किया। अच्छा, सब नगर निवासियों को ऐसे मैंने उनको ये दुआ दी, मैं तेरे को चाहूं तो है कि बचाना, गांव के लोगों ने तो बचाने की कोशिश करी, भाई बचो आप, मतलब इससे में कदे तापमान बिगड़ जाए, आप मर ना जाओ, स्थिति खराब हो जाए फिर। लेकिन मैंने गांव के लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करी, भाई मैंने परमात्मा का नाम वहाँ मेरे को ले लेने वे, ये कह रहा। एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके परिवार में बताया गया कि 5 लड़कियाँ हैं, कोई लड़का नहीं है, तो आपके ये विचार मन में नहीं आया कि देखो 400+ किसान जिनकी जान चली गई इस आंदोलन में, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर आपकी जान चली गई तो शायद सरकार का इतना फर्क नहीं पड़ेगा? भी पढ़ो ना पढ़ो भी
क्या करिए, सरकार का तो काम है यू। मैं भगवान से निवेदन करूँगा, ये परमपिता परमात्मा भाई तू बचावेगा इस देश के अन्नदाता को, इस देश के मजदूर को, जो इस देश का मजदूर आज घर से बेघर हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है मजदूर का, बेचारा रोटियों का मताज बना दिया इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, दोनों किसान और मजदूर रेड की हड्डी है इस देश की, दोनों को मारने लग रहे हैं, इस देश के जवान किसान मतलब अब बुरा हाल हो रहा है, आन बान शान को ख़त्म करने लग रहे हैं, सरकार में बैठे लोगों ने अहंकार कर रहे हैं, अहंकार नहीं चाहिए, पर परमपिता परमात्मा जी उसको सतबुद्धि दे दे, इसलिए बैठे हैं तो मरह चे जीवा कि मतलब भाई इस देश की हालात को ना बिगड़े और इस देश को चलता रहे, जे देश जिंदा रहा, जे देश को ना ये सरकार के जरिए ऐसा कि और ये कानून बड़ा है कि देश बड़ा है, सरकार के बैठे लोगों ने बिल्कुल देश बड़ा समझना चाहिए, इस कानून को बड़ा समझ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कानून को वापिस ले ले, देश बड़ा है, कानून बड़ा नहीं है, कानून प्यारा है कि देश प्यारा है, देश तो बर्बाद होने लग रहा है, देश में राजा क्या यार, लड़ाई छोटी सी नहीं रहनी, ये बहुत बड़ी कीमती बहुत बड़ी लड़ाई हो जानी है, विश्व में इस लड़ाई का मालूम पड़ चुकी है भाई, विश्व में भाई भारत के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन इस देश की सरकार सोच नहीं रही, इसको गंभीरता से नहीं ले रही है, बातचीत करेंगे फिर चौथी बात रख देते हैं, बातचीत करेंगे फिर चौथी बात रख देते हैं, इस देश के किसान के हालात को पूछ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, पीड़ नहीं समझ रही सरकार, तो इसको कुछ मेरे ख्याल में समझ नहीं रही है। आपका मन में ये ख्याल नहीं आया कि बाई चांस 1% अगर सोचा जावे 45 डिग्री तापमान ऊपर से आग की गर्मी, और अगर 12 से 3 बैठो आप, हाँ जी 12 से 3 कभी कभी तो 4 बजे भी बैठे रहते हैं, ले उनको बैठे ना मतलब। अच्छा एक चीज देखो, टाइम है अगर आप बीच में तो उठने के नहीं आंदी और बारिश और तूफान आओ, कोई जल नहीं, पानी नहीं, अन्न नहीं, हम कुछ नहीं लेते, मतलब हम तो वैसे के वैसे बैठे रहते हैं, भूख तेज प्यास हम तो भगवान से निवेदन करते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर बाई चांस देखो इस गर्मी में आपके शरीर का टेम्परेचर भी तापमान गर्म हो है, अगर बारिश आएगी बीमार भी हो उसको, अगर बाई चांस आपके मन में ये नहीं आई कि आपकी मौत होगी तो 5 लड़कियां होंगे क्यों होगा? देखो जी मैं अपने देश से ही सारा अपना है, मैं समझ रहा हूँ कि मेरे तो 5 लड़की है, मैं तो देश को ही समझ रहा हूँ कि देश से सारा ही अपना है, और बिल्कुल भी देश गढ़ने लग रहा है, देश मरने लग रहा है, देश बचाना जरूरी है, देश के मंदिर आपे भी आ गए, करिए क्या सोच तो यही है। एक किसान की तो वैसे खेत में तपस्या है, जेठ कमी नमल चलावा पो में पानी लावा, जिस दिन से जन्म लेवाऊ उसी दिन से तपस्या किसान की शुरू होती है जी, बिल्कुल ही मरण घाट पे रहता है किसान, कभी भी सुख से बेचारा रोटी नहीं खाने पाता, सो नहीं पाता, फिर करिए क्या, बुरा हाल इस देश के भंडार भरने वाला अन्नदाता उसको मार रही है सरकार, लेकिन करिए क्या, ये सोच लेना चाहिए भाई कानून बड़ा है, अगर देश बड़ा है, देश को ही बड़ा समझ लेना चाहिए, देश का चारों ओर से इस देश में हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, सन्नाटे चल रहा है, सांसा हो रहे हैं, जो राष्ट्रपति शासन लागू हो रहे हैं, देश में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है, अभी ऐसे हालात नहीं करने चाहिए। खेड़ा खाप का मैं भैणजा हूँ, करसिंधु गांव का। अच्छा अच्छा, करसिंधु गांव का खेड़ा खाप का भैणजा हूँ मैं। अच्छा जी, करसिंधु गांव के जहाँ मेरी मम्मी ने मेरी माँ ने जन्म लिया, करसिंधु गांव में, और सबसे बड़ा गाँव है, अच्छा गाँव है, बढ़िया गाँव है, उचाणा विधानसभा क्षेत्र में, जींद जिला में, खटखड़ खाप, खेड़ा खाप है, करसिंधु का मैं भैणजा हूँ, करसिंधु गांव का, और करसिंधु गांव का भी पूरा मतलब सारे सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अजीब जो प्रधान आए हैं भाई, आपको समझाने की कोशिश करी गई कि आप ऐसा ना करो, मेरे तो कई खपमा के प्रधान आए थे, मैंने इनसे यही कहा भाई, जवाब रहे भाई मैं रब का नाम है ले लें दो, रब का नाम तो ले लें दो, तुम्हें रब का मतलब भगवान से भी काला का नाम तो फिर आप घर बैठ के भी ले, घर बैठे हैं अपने मकान पे हुए नहीं, लेकिन अपना मकान हो, लेकिन तपस्या तो आपने ऐसी कर दी नहीं जिसमें आपकी जान जाए, भाई जान जाओ चाहे कुछ हो जो मतलब देश का, तब देश नहीं मैं नमरा बना कह रहे हैं कि देश तो ऐसे मरने जा रहा है, देश मुश्किल बचेगा, सत्ता में बैठे लोग या न सोचें कि देश बचेगा, मुश्किल है देश बचने के, बनार को लड़ाई छिड़ेगी, उस लड़ाई से डर दे तो ही बैठे हैं, हमें लड़ाई देश में हर पार की हुई, किसान पीछे नहीं हटने वाला, सरकार सोच रही है इसको न्यू काम चल जाएगा, न्यू काम नहीं चलता, भी भगवान से निवेदन करा को होनी को टाल दे, और नहीं जे सरकार तो समझ नहीं, जो सिस्टम चल भी पड़े ना बुरा हाल हो जाएगा, आर पार इसी को बोल लेकिन आर पार नहीं कह दें, छोटा से छोटा किसान को टोक लियो आप, बोले से बोला को टोक लियो, सियाणा से सियाणा नहीं कहेंगे आर पार की लड़ाई, आर पार इसी को बोलना है भाई, आर पार एक रखे चल भी कड़ी नहीं, आर पार हुए पीछे देश बसेगा नहीं, देश तो उजड़ लेगा। प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी हम सभी देशवासी आपको शुभ संदेश देते हैं, प्रधानमंत्री जी इस कानून को ठीक है बन जाएगा कानून तो केवरा क्या हो जाए, लेकिन आप वापिस ले लो,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी और इस देशवासियों की भाषा को समझिए, कानून बड़ा नहीं है देश बड़ा है। प्रधानमंत्री जी, कानून बड़ा नहीं है देश बड़ा है। प्रधानमंत्री जी, कानून को वापिस ले जियो। ए प्रधानमंत्री जी, इस देश को बड़ा समझियो, कानून बड़ा नहीं है। आपने काले कानून बना दिए जो, और आपने ये भी किया था वे काले कानून नहीं है ये, और काले कानून वैसे हैं ये कि आपने फिर ये भी किया सरकार में बैठे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के जब लोग इकट्ठे हो रहे थे और बुलाए थे इस देश के किसान बुलाए थे भारत के, वे किसान बातचीत करें सरकार से, और सरकार ने बातचीत के जरिए ये कहा 1.5 साल के लिए इसको ठंडा बस्ता में रखते हैं, काले कानून को हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। तो काला कानून है देश का कीदा आ गया भाई, कानून तो काला है, सरकार वापिस ले ले तो अच्छा है। प्रधानमंत्री जी, अपील है आपसे कि आप इस देश को बसाइए, कानून बड़ा ना समझिए देश को बड़ा समझिए। देश की प्रजातंत्र 36 बिरादरी के लोग आज सड़कों पर है, बुरा हाल है, देश में हाहाकार मचा हुआ है, इसको संभालिए। आप देश के प्रजा के पालन हो, आप बड़े हो, आप इस देश की जनता को बचाइए और इस काले कानून को वापस लीजिए। ए प्रधानमंत्री जी, बेनती है आपसे, हम भगवान के घर में बैठ के सतगुणों में बैठ के भी आपसे कह रहे हैं तब मान रहे नहीं, हम लाठी पर लाठी गोली खा रहे हैं, आप लाठी गोली बरसा रहे हो तब मान रहे नहीं, और कुछ कर रहे हैं तब मान रहे नहीं, और क्या करने जा रहे हो। प्रधानमंत्री जी, सतबुद्धि करिए, प्रधानमंत्री जी से यही अपील कर सकते हैं, हम उनके कह सकते हैं। चलिए तो भाई बात अपन कर लिए, कैस कहाँ, यानी किसान की तो वैसे खेत में पोगा पाड़ा में भाई वो पानी लगाया करो, और जेठ की गर्मी में हल भी चलाया करो, वो हल भी इनके श्याम में रखा है, यानी तपस्या किसान की वैसे कम नहीं होती, लेकिन इतनी गर्मी में और 45 डिग्री टेम्परेचर, फिर ये गर्मी के धुएं लगा कर आके बहुत बड़ी तपस्या। प्रधानमंत्री तो दोबारा हमारी यही अपील रहोगी, और प्रधानमंत्री के अलावा तो हमारे मुख्यमंत्री से भी अपील है कि आप भी इस हरियाणा की जनता के लिए, किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी से बातचीत करिए, क्योंकि यही किसान है जिनने वोट देकर आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है। तो प्रधान जी, राम राम। तो के कुछ रहे, आपने जो समझाने की कोशिश करी, अभी अभी बातचीत होगी। अच्छा जी, अभी आए हैं, ठीक है।